तो गाइज आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आईफोन में आप कैसे वॉइस मेल इनेबल कर सकते हैं, हाउ टू इनेबल वॉइस मेल ऑप्शन इन आईफोन। अगर आपने iOS में अपडेट कर दिए है और आपका वॉइस मेल ऑप्शन नहीं इनेबल हो रहा है तो आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने आईफोन में वॉइस मेल ऑप्शन इनेबल कर सकते हैं। तो वीडियो में फ्रेंड्स बने रहिएगा, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपको कुछ सेटिंग्स करनी होंगी, उसके बाद आप में वॉइस मेल का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। वॉइस मेल ऑप्शन होता है कि फ्रेंड्स जब आप किसी को कॉल करते हैं और अगर उस सामने वाले का कॉल यहाँ पर ऑफ रहता है या मोबाइल ऑफ रहती है और आप उसको कॉल करते हैं तो उसके पास वैसे मैसेज नहीं आता है, बट अगर आप वॉइस मेल उसने इनेबल किया रहता है तो आपको भी वॉइस मेल का ऑप्शन मिल जाता है, जिसपे एक बीप के साथ अपना मैसेज सामने वाले को भेज सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप इसको इनेबल करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने जनरल सेटिंग्स में जाना है, फिर आप अपने जनरल सेटिंग में जाने पर इस कॉल करना है, फिर आपको लैंग्वेज सेटिंग में जाना है और यहाँ पर आपको इंग्लिश का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर लैंग्वेज आपको US सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ देख सकते हैं ऐड लैंग्वेज का ऑप्शन दिख रहा है, तो सर आपको ऐड इंग्लिश US का आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर मैं सर्च कर दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर आप इंग्लिश लिखेंगे उसके बाद आपको इंग्लिश US का ऑप्शन मिल जाएगा, तो उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे फ्रेंड्स, उसके बाद आपका ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। अगर यहाँ पर नहीं मिलता फ्रेंड्स तो आप यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन और अभी आपको करना रहता है, नीचे तरफ जाइए और यहाँ पर देखिए ट्रांसफर और रीसेट आईफोन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको अपना फोन रीसेट नहीं करना फ्रेंड्स, आपको केवल सेटिंग्स रीसेट करनी है, तो आपको रीसेट पर क्लिक करना है और रीसेट ऑल सेटिंग्स पर क्लिक कर देना। जो भी सेटिंग्स होंगी आपको फिर से जो है नए सिरे से अपडेट हो जाएंगी, फिर नई सेटिंग्स आपकी अवेलेबल हो जाएगी। अब देख सकते हैं जी फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका वॉइस मेल का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा, तो आपको एक सेटिंग अप करनी है मेन कि आपको वॉइस मेल का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाए। तो आपको फिर से अपने सेटिंग्स में जाना है और उसके बाद अपने सेटिंग्स जाने के बाद फ्रेंड्स आपको ऐप्स में जाना है। ऐप्स में जाने के बाद आपको नीचे तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है फ़ोन का ऑप्शन, तो आपको फ़ोन का ऑप्शन यहाँ पर ग्रीन कलर का मिल जाएगा। तो यहाँ देखा इस फोन का ऑप्शन आ गया फ्रेंड्स, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर नीचे देख सकते हैं यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है लाइव वॉइस मेल का ऑप्शन, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है और अगर ये डिसेबल होगा फ्रेंड्स आपको इसे इनेबल कर देना है। जैसे आप इसको इनेबल कर देंगे तुरंत ही तुरंत आप आएंगे और फिर से रिस्टार्ट अपने फ़ोन को करेंगे तो आपके फ़ोन में इस तरह से वॉइस का ऑप्शन मिल जाएगा कि सामने वाला कभी भी वॉइस को आपको जो आपका फ़ोन अगर ऑफ रहता है तो कोई अगर फ़ोन करता है तो उसको वॉइस का ऑप्शन मिल जाएगा कि आपको वॉइस मैसेज दे सके। तो इस तरह से वॉइस ऑप्शन इनेबल कर सकते हैं अपने आईफोन में iOS अपडेट के बाद। तो वीडियो में इतने फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।